Hey everyone, good morning. Welcome back to my channel. I'm Nishant and you guys are watching Nomad with a Brush. और आज से मैं डेली व्लॉगिंग शुरू करने वाला हूँ. थोड़ा सा अजीब लग रहा है सोच के, क्योंकि डेली व्लॉगिंग मैंने कभी किया नहीं है ऐसे. आई ऑलवेज मेक वीडियोज जहाँ पे मैं कहीं पे जा रहा हूँ घूमने नाने माशे या कहीं पे. साथ से सोचा कि मैं जो भी करता हूँ उनके बारे में आप लोगों को थोड़ा थोड़ा कंटेंट दिखाऊँ बिहाइंड द सीन्स एंड ऑल. एंड या आई जस्ट वोक अप. आज संडे है बाय द वे, सो मैं थोड़ा लेट उठा आज. और हैरी मेरे साथ विंडो से बाहर देख रहा है. हैरी गुड मॉर्निंग. हैरी फुफु गई हो? फुफु गए हो? फुफु गया? आप लोग सुबह उठने के बाद सबसे पहली चीज क्या करते हो? आई थिंक सबके अलग अलग रूटीन्स होते हैं, सबके अलग अलग यू नो टास्क होते हैं सुबह के मॉर्निंग में करने के लिए. जैसे यूजुअली मैं सुबह उठता हूँ तो आई राइट समथिंग ऑन माय जर्नल. एंड मैं इस जर्नल पे सुबह उठकर ही सबसे पहले यू नो लाइक आई राइट सम ग्रैटिट्यूड कोट्स या कुछ मैं जो भी अबाउट माई लाइफ समथिंग आई राइट. एंड दिस इज माई थर्ड बुक राइट नाउ. इससे पहले मेरे पास ये बुक है, ये मैंने जर्नल खत्म हो गई मेरी. एक और जर्नल है मेरे पास, वो आई थिंक ड्रॉअर में नीचे कहीं पे. बट या अभी ये मेरी न्यू जर्नल है, इसमें मैंने बस एक ही पेज अभी तक लिखा है. तो आई एम गोना जस्ट राइट समथिंग. मेरा पेन का है. ज्यादा आपको लिखने की जरूरत नहीं है कि आपको दो चार पेजेस लिखने हैं. यू कैन जस्ट सिंपली स्टार्ट योर डे बाय राइटिंग यू नो लाइक थैंक यू नोट. थैंक यू सो मच फॉर दिस डे, मतलब इतना छोटा सा. बट ट्रस्ट मी गाइस, सुबह उठ के सबसे पहले जस्ट राइट अ थैंक यू नोट एंड सी हाउ मैजिकल योर लाइफ बिकम्स. मैं एक अपना ब्लॉग भी एडिट कर रहा हूँ अभी और मैं इसको आज अपलोड करने वाला हूँ. द ब्लॉग इज अबाउट ब्लू टोकाई. ज्यादा बड़ा नहीं है, इट्स अबाउट 6 मिनट का वीडियो है. क्या हो गया? हाँ क्या हो गया तुम्हें? बैठो चुपचाप बैठो. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग आयो. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग एवरीवन. आज पर अभी ऐसे मैं फुल टाइम इनके ब्लॉग करें, डेली ब्लॉगिंग. मम्मी क्या बना रही है? मूंग का दाल. मूंग का दाल बिना प्याज बिना रसून. क्यों बिना प्याज बिना रसून? आज गुरु पूर्णिमा. आज गुरु पूर्णिमा है. कुकर क्यों बनाया था? अच्छा फ्राई टाइप. फ्राई करके दाल टाइप. जब तक बन रहा है मैं अपना गुआवा. तो मैंने अमरूद काट लिया अभी एंड मैं अभी अमरूद खाऊंगा. ये जो गुआवा होता है या अमरूद जिसको हम हिंदी में कहते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल फ्रूट है. एंड अगर आपको जैसे कॉन्स्टिपेशन हो रहा है देन ऑल्सो दिस इज द बेस्ट फूड यू कैन हैव. एंड मॉर्निंग में जब भी आप उठो तो सबसे पहले बिफोर हैविंग एनी फूड फ्रूट्स खाया करो एंड उससे आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा. कहाँ छुप रहा है? हेलो यूट्यूबर, बिग यूट्यूबर्स. एल्विश भाई, भाई हो रहे हैं भाई. हम लोग ऐसी चीज़ें नहीं देखते गाइस. आप लोग तो उसको जानते हो गए, मेरा दोस्त सौरभ. उसने अभी अपना यूट्यूब चैनल खोला है. मेरा यूट्यूब चैनल गाइस, जो देख रहा हूँ प्लीज सब्सक्राइब कर दो. अभी मेरे 35 सब्सक्राइबर्स हैं. दिख रहा है इसको 50 कर देना. चल चाय पीगा. लफड़ा ही लफड़ा भाई, बिगेस्ट लफड़ा ऑफ द एरा भाई. पीछे से एल्विश भाई के पीछे से कौन आएगा उसके सपोर्ट में? ऑलवेज एल्विश भाई भाई. अरे एल्विश भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या? वो पीछे से कैसे आता है? कॉल दे भाई, बोला अपने साथ वो एक चुट्टर पुट्टर लाया है. चाय काफी अच्छी थी. चाय का आनंद उठाने के बाद सौरभ और मैंने डिसाइड किया कि हम लोग एक छोटा सा स्कूटी राइड में जाएंगे. एंड आप देख ही सकते हो वेदर वाज एक्चुअली वेदरिंग. पुणे का वेदर काफी ज्यादा सुंदर हो रखा है आजकल. एंड आप बादलों को भी देख सकते हो, बहुत ही ज्यादा एस्थेटिक लग रहे थे सच बताओ तो.
गाइस मैं अभी जस्ट घर पहुंचा था और मैं वापस बाहर जा रहा हूँ। या मैं आफ्टर हेयर कट प्लीज आफ्टर माय हेयर कट। भाई भाई मैंने सोचा अगर डेली व्लॉगिंग कर ही रहे देन व्हाई नॉट सच धज के एकदम शानदार सा दिखे हर एक वीडियो में, बिकॉज अभी हर वीडियो में मुझे प्रेजेंटेबल लगना पड़ेगा और मैं जंगली बन के बैठ नहीं सकता हर वीडियो में। तो मैंने डिसाइड किया कुछ डिटेनिंग एंड ऑल मैं करने वाला हूँ, इसलिए मैं और एंकी यहाँ पे आ चुके हैं। और सच बता दो डिटेन 15 मिनट के लिए रखना था बट मैं सही में सो गया और मैं आधे घंटे बाद मेरी नींद खुली। डी टैनिंग एंड हेयर स्पा कराने के बाद हम लोग पहुंचे पब्लिक फॉर आर डिनर। पब्लिक इज वन ऑफ द बेस्ट रेस्टोरेंट स्लैश बार इन पुणे। ये कोरेगांव पार्क में लोकेटेड है। अभी डिनर के लिए मैं और मेरे दो दोस्त आए हम लोग पब्लिक और आप इनसे मिल चुके पहले भी। सब्जी क्या है? नाम के साथ नान सब्जी में कोई अच्छी सब्जी बताइए ना। वेज कोल्हापुरी भी अच्छा है। एनीथिंग कोल्हापुरी भी चलेगा। कोल्हापुरी इज वेरी स्पाइसी। कोल्हापुरी स्पाइसी है बट पनीर में है यार। पनीर लाभदायक अच्छा है। मैंने खाया था उस दिन इतना अच्छा लाभदायक है। अच्छा भाई तूने उसको पूछा पनीर लाभदायक उस बंदे ने बोला हमारा फेवरेट है वो, मतलब बेस्ट सेलिंग है। ये मुंह पे बोलती है नहीं आपका अच्छा नहीं था लास्ट टाइम पे वो। मतलब बहुत ऐसा नहीं था कि हम वापस खा लें। वो भी है, वो भी दिखा ना अपने ब्लॉग में वो हरकतें जो चल रही है उधर। कोई नहीं बड़े इधर थोड़ी बहुत बातचीत करने के बाद हमारा पिंक सॉस पास्ता आया एंड इट वाज वेरी डिलीशियस। एंड पब्लिक का फूड एक्चुअली काफी ज्यादा अच्छा है। अगर आप कोरेगांव पार्क विजिट करो तो डू विजिट पब्लिक हियर एंड द फूड वाज एक्चुअली वेरी फुलफिलिंग। पब्लिक में डिनर करने के बाद वी डिसाइडेड टू हैव वन आइसक्रीम। तो हम लोग मेरिडियन आइसक्रीम पहुंचे कोरेगांव पार्क में अगेन। एंड सच बताओ तो मेरिडियन आइसक्रीम इज माय फेवरेट आइसक्रीम एंटायर पुणे। यहां का बेस्ट ये है कि आई कैन ऑर्डर टू आइसक्रीम, टू स्कूप आइसक्रीम एट द प्राइस ऑफ 80 रुपीस ओनली। व्हिच वन यू आर टेकिंग? हेलो, नॉट यू आर टेकिंग एक ब्राउनी बर्स्ट तो ले रहे हैं ना। मेरा वो है ब्राउनी बर्स्ट एंड ब्लैक करंट। टू स्कूप घर में पहुंचा वापस और बारिश हो रही है बहुत तेज। एंड या सो आज के दिन यही था। आज संडे था तो मैंने कुछ काम भी नहीं किया। आई वॉज जस्ट हैविंग फन एंड आज मैं बस मस्ती कर रहा था अपने दोस्तों से मिल रहा था। सो या दैट वाज इट फॉर टुडे। ज्यादा कुछ था नहीं आज के लिए बट या आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। इफ यू डिड सब्सक्राइब टू माय चैनल, डू गिव दिस वीडियो बिग लाइक, कमेंट डाउन बिलो व्हाट ऑल शुड वी डू इन दिस व्लॉग्स। एंड मैं आपसे मिलूंगा कल विद अ ब्रांड न्यू व्लॉग, क्योंकि मैंने अभी डेली व्लॉगिंग करना शुरू कर दिया है। या लेट्स सी क्या कर सकते कहा जा सकते। एंड या हम लोग धीरे धीरे और ज्यादा कनेक्ट होंगे और ज्यादा बात करेंगे चीजों को लेके। तो या दिस इज जस्ट द बिगिनिंग। आई होप यू बी अ पार्ट ऑफ दिस जर्नी विद मी। अभी कुछ ज्यादा है नहीं मेरे लिए। कल मिलते हैं ब्रांड न्यू वीडियो के साथ।